रेमडेसिविर दोस्तों ये एक ऐसी दवा है जो कोरोना वायरस से लड़ सकती है। जी हाँ, मेडिसिन ऑफ शिकागो के वैज्ञानिकों ने 125 कोरोना पॉजिटिव बीमारों पर इस दवा का इस्तेमाल किया और उन्हें इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बाद अब इस दवा पर वैज्ञानिक और डॉक्टर्स जो हैं वो भरोसा करने की सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक कोई भी सटीक सही दवा दोस्तों नहीं है। तो क्या ये दवा कोरोना से लड़ सकती है? रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल इबोला के उपचार में किया गया था। अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गाइलेट साइंस की तरफ से रेमडेसिविर दवा का क्लिनिकल परीक्षण किया जा रहा है और इसे प्रायोगिक दवा के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दोस्तों रेमडेसिविर एक बहुत ही आशा जगाने वाली दवा है और अमेरिका की एक वेबसाइट है स्टैट STAT, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार इस दवा का जो इस्तेमाल COVID-19 पेशेंट्स पर किया गया उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं, लेकिन ये क्लिनिकल परीक्षण डेटा पर आधारित नहीं है। स्टेट के अनुसार शिकागो विश्वविद्यालय में COVID-19 का इलाज करा रहे 125 मरीजों ने दो चरणों में 3 क्लिनिकल परीक्षण में हिस्सा लिया। इस परीक्षण का आयोजन गाइलेट द्वारा किया गया था। 125 में से 113 पर रेमडेसिविर दवा का जो इस्तेमाल किया गया दोस्तों वो पूरी तरह से कोरोना इन्फेक्टेड थे। स्टैट मैगजीन ने ये कहा कि इस परीक्षण की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है और इस वीडियो रिकॉर्डिंग में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स डॉक्टर्स ये कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इस दवा का असर हो रहा है। 113 कोरोना पॉजिटिव पर जब इस दवा का इस्तेमाल किया गया तो उनका न सिर्फ बुखार कम हुआ बल्कि कई सारे पेशेंट्स के वेंटिलेटर्स को भी हटा दिया गया। रेमडेसिविर का एक परीक्षण उन 2400 लोगों पर भी किया जा रहा है जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण हैं, जबकि दूसरा परीक्षण उन 1600 मरीजों पर किया जा रहा है जिनमें कोरोना के मामूली लक्षण हैं। ये परीक्षण दुनिया भर की कई जगहों पर किए जा रहे हैं। clinicaltrials.gov के अनुसार ये दोनों परीक्षण मार्च में शुरू हुए थे और उम्मीद है कि मई तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा अंत तक। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के बाद रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए किया जा रहा है दोस्तों, उससे अब ये उम्मीद बन गई है कि मई के अंत तक ये सारे परीक्षण पूरे कर लिए जाएंगे और हमें कोरोना की कोई वैक्सीन मिल जाएगी जल्द ही, क्योंकि जब रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया गया कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स पर तो न सिर्फ उनका बुखार कम हुआ है बल्कि उन्हें वेंटिलेटर से भी हटाया गया है और इसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक दोस्तों अब ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि सितंबर तक हम कोरोना से लड़ने के लिए कोई कारगर वैक्सीन जरूर बना लेंगे, लेकिन रेमडेसिविर का असर कोरोना पेशेंट्स पर बहुत पॉजिटिव हो रहा है, इससे हमारी उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई।